मैं क्या करूं अपने बुबू के बिना। हम दोनों ने साथ में कितना वंडरफुल मोमेंट्स बिताया था, कितना मेमोरीज रह गया मेरे बुबू का मेरे पास। बुबू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, कोई मुझे मेरे बुबू लौटा दो। बुबू कहाँ चली गई, प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। हे, मैं घर आ गई। डूडू, मैं घर आ गई। हे डूडू, उठो, मैंने बोला ना उठो, मैं आ गई हूँ। कितनी ताजुब की बात है, मैं इतना चिल्लाई फिर भी ये मोटा भालू उठ नहीं रहा है। लगता है इस अपने में सुंदर सुंदर लड़कियों को देख रहा होगा। मैं तो आज इसे नहीं छोड़ूंगी, बस इसे उठने दो। हाँ, किसकी आवाज? बुबू, तुम आ गई। पर तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तुम उस दिन शॉपिंग का बोल कर गई थी, फिर अपने मॉम के घर क्यों चली गई? अरे डूडू, क्योंकि रास्ते में मुझे मम्मी का कॉल आ गया, वो मुझे बहुत मिस कर रही थी और चाहती थी कि मैं कुछ दिन उसके पास ठहर जाऊं, इसलिए चली गई। पर तुमने तो मुझे ये सारा बात फोन में नहीं बोला। पर मैंने तो तुम्हें कॉल करके बोल दिया था ना कि मैं मॉम के घर जा रही हूँ, बोला नहीं था क्या? भूल गई? नहीं, बिल्कुल मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे पूरा बात पता है, तुमने मुझे थोड़ी सी बताई थी, फिर कॉल कट हो गया और तुमने कॉल बैक भी नहीं किया। अरे वो नेटवर्क इशू होगा डूडू। ऐसे अचानक तुम मुझे छोड़ के चले गए, मुझे घर का सारा काम करना पड़ा और आज तो मैंने इतना गंदा सपना देखा। क्या सपना देखा तुमने? मैंने देखा मैं एक परियों के देश में बैठा हूँ और बहुत जोर जोर से रो रहा हूँ, तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले गए हो। क्या ये कभी पॉसिबल नहीं है कि डूडू को अपने बुबू कभी हमेशा के लिए छोड़ के चले जाए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ डूडू तुम ऐसे सपना देख सको मोटा कहीं के? ओ नो बुबू, मैंने एक सीरियल देखा था कि अपने हस्बैंड को वाइफ हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है, शायद वो मेरे सपने में आ गया होगा। तुम भी ना डूडू, टिपिकल हाउसवाइफ की तरह सारा काम करने के बाद टीवी सीरियल देखने लगे और ये गंदा सा डीम देख लिए। क्या ही बोलूं मैं तुम्हें। छोड़ो ना बुबू बेबी, अब तो तुम आ गई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो ना मिलके फन करते हैं। नहीं, तुमने मेरा मूड ऑफ कर दिया है, जाओ मेरे लिए चॉकलेट मिल्क बना के लाओ, तब जाके हम मिलके खेलेंगे। ठीक है, मेरा बुबू घर आ गई तो मैं सारा कुछ काम कर लूंगा। ये